देखते हैं हम सिंपलीफिकेशन की जो प्रॉब्लम है जोड़ की गुणा भाग की, तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास होता है बार, बी फोर बार होता है, और बी बोर्ड मास है ये। बी फोर बार वाली प्रेशन वाली को सोल्व करते हैं, फिर बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ होता है, डी फोर डिवीजन, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बार वाली संख्या को सोल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट वाली को, फिर का की वाली जो भी प्रेशन वाली है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको सोल्व करते हैं। जैसे कि ये संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को जब हल करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये 6 आ जाएगा, नहीं 3 आ, 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 रे 2 5 रे दो 3 रे 2 5 यानी 8 हो जाएगा, 8 रे 3 11, तो आंसर आ जाएगा 11। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 12 वाली संख्या को, तो 50 आ रहा है, तो 60 में से 50 गया तो 10 आ गया, 50 में से 10 गया तो 40 आ गया, और 60 में 40 गया तो 20 आ गया, तो ये आ गया 100 आंसर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लेते हैं, इस तरीके की संख्या है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, तो 11/12 और ये 11/4 है, तो क्या आ गया वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू है रही है 12। तो इसका मतलब क्या है कि 44 माइनस 11, 44 माइनस 11 कितना आ रहा है, 33, तो 6 माइनस 33 बाई 12 है, तो 12 से 72 माइनस 33 है, तो 72 माइनस के 33 कितना आ रहा है, तो ये 12 है। इसमें क्या है, 3 बार जा रहा है, 33 माइनस 11 है, 33 माइनस 11 22 है, 22 बाई 12 है, तो यानी 72 माइनस, तो ये 6 माइनस के 33 माइनस 11 22 बाई 12 आ रहा है। 22 बाई 11 12 का मतलब है 11/6 आ रहा है, यानी 36 माइनस 11 यानी 25/6 आ रहा है, 25/6, और ये है 25/8, तो इन दोनों को भाग देंगे हम, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 6 ऊपर चला जाएगा, 6/8। 6/8 में क्या होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं 6। अब देखते हैं कि ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो हमारे पास में 21/16 आंसर आ जाएगा, 21/12, नीचे 2 है, तो 21/12 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको जैसे सॉल्व करेंगे 7/4, पहले अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, अंदर वाली संख्या जैसे हमने सॉल्व की है तो ये 3/4 आ रही है, अंदर वाली संख्या 3/4 आ रही है, तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास में 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1। कोई संख्या है, उस संख्या का 20% का 10% प्लस 5,000 का 2% का 2.5% दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे एक्स ले लेते हैं, फिर एक्स का क्या है 20% यानी 20/100, फिर उसका भी 10% है, तो इंटू 10/100 प्लस 5,000, 5,000 का 2% है तो 2/100 प्लस उसका भी 2.5% है, 2.5/100, 2.5 / 100, तो ये इक्वल टू क्या है, 192.84 है। तो इससे हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो हमारे पास एक्स वैल्यू हो जाती है 4517, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4517। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू दे रखी है, अब इसमें एन की वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर n दे रखी है यहाँ पर, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या है 3 × 10 की पावर n है, और ये क्या वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 6 की 30 और 9 बार, यानी 3 × 1000 आ रहा है, 3 × 1000 आ रहा है, यानी 10 की पावर 3 आना चाहिए, तो 10 की पावर 3, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यदि कुछ राशि अपने कुछ व्यक्ति हैं कुछ राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, एक कोई व्यक्ति है वो अपने पुत्रों में अपनी राशि को इस तरीके से बांटता है कि पहले पुत्र को 1/5 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, और तीसरे पुत्र को 6600 रुपये मिलते हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है, तो पहले पुत्र को क्या बांटता है वो 1/5, दूसरे पुत्र को क्या बांटता है वो पहले पुत्र का 1/5 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग यानी कि 1/4 बांट देता है, और तीसरे पुत्र को 66 मिल रहे हैं, 66 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है,
तीनों का योग है, एक्स बटे पांच प्लस एक्स बटे चार प्लस 6600, इनकी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 12000 रुपये आ रही है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मेथड ये है कि 1/5 भाग पहला पुत्र ले गया, तो दूसरा पुत्र 1/4 भाग ले गया। अब इसका मतलब क्या है, पहला पुत्र को 4 भाग मिल रहे हैं, दूसरे पुत्र को 5 भाग मिल रहे हैं, तीसरे पुत्र को 66 से मिल रहे हैं। दोनों का लैस है 5 और 4, दोनों का लैस है कितना, 20। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 20 माइनस के जो भी इन दोनों का योग है वो 11 है। तो 11 की वैल्यू 66 से आ रही है, तो 1 की वैल्यू 600 आ रही है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 12000। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 और 4 दोनों का वैसे भी क्या है, 20 है। तो 20 में से 4 और 5 दोनों को योग को घटा देते हैं, 11 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल और 1/20 भाग है उसको नारंगी, और 1/30 भाग को पीला, 1/30 भाग को पीला और 1/40 भाग को हरा, 1/50 भाग को नीला, 1/60 भाग को काला और 6 भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। और छड़ के बैंगनी रंग की भाग की लंबाई है 12.08 मीटर। तो छड़ की कुल लंबाई क्या होगी, तो एक्स माइनस के जो भी छड़ का भाग है वो क्या दे रखा है हमें, जैसे कि लाल बैंगनी हरा वो दे रखा है x/10, x/20, x/35, x/40, x/50 और x/60 काला भी दे रखा है हमें, और शेष भाग है बैंगनी दे रखा है। तो शेष भाग बचेगा, चाहे एक्स में से माइनस कर देंगे तो बैंगनी रंग बचेगा। तो बैंगनी रंग की वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर एक्स माइनस के 49x/200, इसको हमने सॉल्व किया हमने, तो 151/2200x आ गया। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 12.08। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई। तो 16 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 151 × 16/200, तो उससे वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16। तो एक्स की वैल्यू को 16 को यहाँ पर पुट करके हम बैंगनी रंग की भाग निकाल सकते हैं। तो बैंगनी रंग की लंबाई तो पहले से दे रखी है 12.08, तो 12.08 दे रखी है, तो इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया फाइनल। तो छड़ की लंबाई टोटल है, छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन वाली वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वाली देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो है प्रतिशतता।